Welcome to Computer Light Channel. My name is पूर्वी कुशवा. आज मैं आपको MS Paint में LG logo बनाना सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको एक ओवल लेना होगा. फिर ओवल लेने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइन पे जाके इसकी नो आउटलाइन करनी होगी और फिल पे जाके आपको सॉलिड कलर और कलर टू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेड कलर लेना होगा और यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ करना होगा. फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. अब आपको यहाँ पे कलर टू तो आपका सिलेक्ट है ही. फिर आपको यहाँ पे वाइट कलर लेना होगा. वाइट कलर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना होगा. फिर ड्रॉ करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट के द्वारा. फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. फिर आपका यहाँ पे कलर टू तो सिलेक्ट है. फिर आपको यहाँ पे ये रेड कलर लेना होगा. रेड कलर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना होगा. फिर ड्रॉ करने के बाद आप इसको एड्रेस कर सकते हैं. ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनकी मदद से या फिर आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. फिर आपका यहाँ पे कलर टू तो सिलेक्ट है. फिर आपको यहाँ पे वाइट कलर लेना होगा. वाइट कलर लेने के बाद आपको छोटा सा ओवल ड्रॉ करना होगा. फिर इसको आपको यहाँ पे लाना होगा. फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. फिर आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल लेना होगा. रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे आपका आउटलाइन नो फिल नो आउटलाइन होगा और फिल आपका होगा सॉलिड कलर और कलर टू आपका वाइट कलर होगा. फिर आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा. ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया. फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे आपको क्लिक करना होगा. फिर आपको यहाँ पे दोबारा ये रेक्टेंगल को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा कीबोर्ड की हेल्प से. जैसे हमारा आप देख रहे हैं ये एडजस्ट हो चुका है. फिर आपको दोबारा ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. फिर आपको यहाँ पे जाके शेप्स बॉक्स दिखाई दे रहा है. फिर यहाँ पे आपको ये लाइन है, इस लाइन पे क्लिक करना होगा. फिर यहाँ पे आउटलाइन पे जाके आपको इसको सॉलिड कलर करना होगा और कलर वन पे जाके आपको यहाँ रेड करना होगा. फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे ये लाइन खींचनी होगी. फिर यहाँ पे भी आपको शिफ्ट को होल्ड करके ये लाइन खींचनी होगी. फिर आपको ये फिल विद कलर टूल तो दिख ही रहा है. फिर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको करना है. फिर आप देख रहे हैं ये वाइट लाइनिंग हमारी रिमूव हो चुकी है. फिर आपको यहाँ पे शेप बॉक्स दिखाई दे रहा है. फिर यहाँ पे आपको आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना होगा. रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपको आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ये नो आउटलाइन पे क्लिक करना होगा. फिर कलर टू पे जाके आपको वाइट कलर लेना होगा और यहाँ से आपको इसको ड्रॉ करना होगा. जैसे आप कीबोर्ड की हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे इसको ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना होगा. अब आपका यहाँ पे बन चुका है एलजी लोगो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें. और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू.